वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इसमें हाँ, मैं पीछे से आवाज़ जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज़ ये वीडियो जो है ये अलग से आपको देखना पड़ेगा। इसमें हम लोग सिर्फ बिहाइंड द सीन आपको बता रहे हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा। हमने एक वीडियो रिसेंटली शूट किया था और उसका बिहाइंड द सीन जो है वो इसमें आपको देखेगा। एंड आई होप आप इस वीडियो को इंजॉय करें। अब तुम जाना और मुझे हेलो बोलना। शौक दिखाने के लिए केले पे बैठे। केले पे बैठे? पागल हो गए क्या? देखो ना, अच्छा इधर से आ जा। केले पे। हाँ यार, ये तो केले पड़े हैं यहाँ पे। ऐसे ही पड़े हैं, ऐसे लेटे हुए हैं आराम। छोटा बच्चा जाके बैठ गया। वो वाला भी है। चलो हम उस पे बैठेंगे ना। उस कच्चा केला है, पक्का केला है। कच्चे केले पे बैठना है या पक्के केले पे? एक चिल्ला हुआ भी और एक चिल्ला हुआ भी। उस पे बैठेंगे। बैठ जाओ। क्या हुआ? अभी मैं इसे से लुढ़क गए। सेठ जी लुढ़क गए होते अभी नीचे। जो कहाँ बैठी है उस पे से गिर गई होती। ओ फिर भाई साहब, आज के दिन की तो हमने अभी चार जो है वो चीजें शूट कर ली है। ऑफ कोर्स आप जब वो वीडियो देखोगे तब पता चलेगा। पर लेकिन यार मजा आता है यहाँ पे वीडियो शूट करने। ये कैमरा भी अच्छा लग रहा है और क्या मतलब बढ़िया माहौल है आज। बहुत इजी सा लग रहा है। हाँ, सब हेलो बोल के जा रहे हैं। बड़ा चिल माहौल है। बगल में नदी बह रही है, गंदे नाले वाली। है ना सर भी? यार सर भी पता, बड़ा सही कन्वीनियंस है। देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको कैसे भी घुमा दो, बड़ा अच्छे से पूरा आ रहा है वीडियो। ओके लॉस किड्स दीपक, मुझे जब से कैमरा आया वीडियो में नहीं आने। चैट गया हूँ कैमरे में। कुछ लोग चैट नहीं जाते, वैसे चैट गया हूँ। सीरियसली चिल्ला लग गई मुझे इस कैमरे की। चलो देखते हैं आगे। तुर भी शर्म लग रही है। मैं तो हो गया ढीट, देखो एक ही दिन में। चलो किधर देखो, शुरू की चल लगी है इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने में। ये देखो कितना अच्छा कैमरा, इतना कन्वीनियंट कैमरा है कि मैं आपको क्या बताऊं। तीन तीन जगह पे एक साथ लगी रहती है कैमरा। इंस्टाग्राम का वीडियो, यूट्यूब का वीडियो, लगे रहा कुछ नहीं। मैं तो अपना तो भैया दिन बड़ा अच्छा है। जनता मजे ले रही है यार, मतलब कितना सही है माहौल यार। धूप के पूरे मजे लिए। कोई मतलब ऐसा नहीं कि घर में बैठ के, सब बाहर निकल आते हैं फैमिली के साथ अपनी चटाई वटाई लेके और गार्डन में पड़े रहते हैं बढ़िया दिन भर, छुट्टी वाले दिन सुकून से नेचर में। खैर पोल्यूशन भी नहीं है यार, बढ़िया अच्छे साफ सुथरी हवा है, सुकून से बैठे हैं सब अपनी फैमिली के साथ, खाना पीना लेकर आ जाते हैं, बैठ कर खाते पीते रहते हैं। सही है। फॉलो कर लिया है, प्लीज इसको भी फॉलो कर दो। क्या है तुम्हारा हैंडल इंस्टाग्राम का? हैंडल सोशल मीडिया को यूज करना और पोस्ट वगैरह डालना। सुरभि किस तरह के पोस्ट डालते हैं इंस्टाग्राम पे? मतलब अगर इंस्टाग्राम, चलो अच्छा मुझे फॉर एग्जांपल कई लोगों को जानना होगा, तुमसे ही पूछता हूँ। अगर इंस्टाग्राम पे थोड़ा मतलब अपना चीज़ें बढ़ानी है, लोगों को शौक है, जैसे मुझे तो इतना शौक नहीं था पर ठीक है थोड़ा थोड़ा अभी लग रहा है और कईयों को शौक होता है, तो किस तरह के पोस्ट डालें कैसे? मतलब मैं आप तो मैं बताती हूँ, पहले इंस्टाग्राम प्योरली पिक्चर्स का खेल था पहले, मतलब एडिटेड पिक्चर्स या आपकी जो अच्छी पिक्चर्स हैं, ग्लैमरस पिक्चर्स हैं, स्टाइलिंग पिक्चर्स हैं, वो सारे अपन को डालने होते थे और उसके बेसिस पर ही लोग अपने आप को फैशन ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर और ये सब बोलते थे।
लेकिन अब इंस्टाग्राम में एक फीचर IGTV करके भी आ गया है, उसमें आपका जो भी आप अगर मोटिवेशन स्पीकर हो वो डाल उसके वीडियोस डाल सकते हो, उसके पिक्चर्स डाल सकते हो, आपका जो भी मतलब पर्टिकुलर स्ट्रीम है उसके छोटे छोटे 1 मिनट के वीडियो, 1.5 मिनट के वीडियो डाल सकते हो. और मैंने देखा IGTV पे लोग बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रहे हैं, लाइक जिनके बहुत कम फॉलोअर्स होते हैं उनके भी कभी कभी जो व्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा चले जाते हैं अगर लोगों को पसंद आता है या कुछ. तो ये है इंस्टाग्राम का खेल. अगेन सब कुछ लक के ऊपर डिपेंड करता है. और हमारे यहाँ कई लोग ना, अब जैसे मेरी आदत है, झिझक की वजह से ही नहीं कर पाते. मैंने भी यार, मैंने कितने सालों तक ये मेरा मतलब मेरे को आज समझ में आ रहा है दीपक, कि मैं इतने सालों तक उस चीज़ से अलग थी जो मेरा मतलब इट्स काइंड ऑफ हॉबी, जिसके लिए मतलब मुझे खुशी मिलती है. मैं वीडियो नहीं बनाती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता पता है. और मैं उससे वो नहीं कर रही थी बिकॉज मुझे लोगों का डर था, मुझे लगता था कि ये पता है ये चीज़ है ना यार, टाइम के साथ समझ में आती है. पता है ओल्ड एज में लोगों को क्यों इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो ज़िंदगी जी चुके होते हैं और फिर तब जाके उनको रियलाइज़ होता है कि यार साला क्या ड्रामे कर दिए सारी लाइफ, ये क्या सोचे हैं वो क्या सोचे करके दिमाग पूरी लाइफ निकाल दी. और फिर लास्ट में जाके फिर सोचते हैं कि यार यार अब जो करना है करना चाहिए था ज़िंदगी में. और हम वो एज में, चलो हमने भी काफ़ी टाइम निकाल दिया, कई बच्चे यंगस्टर्स हैं, इवन हमारी एज में कई लोग हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स को भी शौक है कई चीज़ों का, वही अब कैमरे इसका इन सब चीज़ों का. करो यार, किसी को पता, किसी को मतलब नहीं, लेना देना नहीं तुम्हारी लाइफ से, किसी को फर्क नहीं पड़ता. कभी ये बोलेंगे कि अरे कुछ इस सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा और ये सारी चीज़ें, वो ही कुछ दिन बाद ये बोलेंगे वाओ यू आर डूइंग वेरी गुड. तो हाँ, मतलब अच्छा अगर, काम करो, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को, किसी को का आप गलत काम कर रहे, मर्डर करने का मन है तो वो करो, अच्छा काम करो और अपने मन को फॉलो, चीज़ों को फॉलो करो. अब पहले तक की बात अलग थी, अब आप इस चीज से दूर रह ही नहीं सकते क्योंकि फ्यूचर यही है. आप सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, इंटरनेट, यही फ्यूचर है, आप इससे दूर रह नहीं सकते. अभी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा. मैं तो, आप जितने भी सब्सक्राइबर हो गए, मैं तो मतलब जीरो से स्टार्ट किया है, आपको पता ही होगा कब कैसे जर्नी, मतलब इस पर्टिकुलर फील्ड में अर्निंग कैसे होती है, क्या डील्स आती हैं. तो मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ग्रो होती जाऊंगी और मुझे पता चलता जाएगा, आपको भी मैं बताती जाऊंगी. तो ऐसे कोई लोग जो इंडिया में हैं और उन्हें इन पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो शायद उनको हेल्प करे ये. डेफिनेटली पता है, दो चीज़ें, एक तो ये कि आप हर आदमी को, हर दुनिया के हर इंसान को पसंद होता है कि कैमरे पे, TV पे, इन सब चीज़ों पर दिखना. और यही फ्यूचर है, डिजिटल मार्केटिंग आप ख़त्म हो जाएगी आगे चल के, TV वगैरह सब यही होगा, इंटरनेट, मोबाइल, कैमरे, इन पे ही चलेगा जो चलेगा. आप कई लोग इसमें करियर बना रहे हैं अपना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पैसे कमा रहे हैं, एटलीस्ट फालतू बैठने से तो अच्छा है, कुछ कर रहे हैं लाइफ में. बट मेरा तो पूरा मोटिव वही था यार, क्योंकि हम लोग ने जब यहाँ आए थे यार, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी जर्मनी के बारे में, कितना हम लोगों को मिसगाइड किया था लोगों ने, प्लस हम लोगों को प्रॉपर कुछ पता ही नहीं था रूल्स. तो मैंने वो सोच के हेल्प किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग ये बोलते हैं यार आपके वीडियोस हमें हेल्प करते हैं, आपके वीडियोस हेल्प करते हैं. सच में अच्छा लगता है कि चलो यार कुछ तो किसी की हेल्प हो रही है इन सब चीज़ों से. Definitely हम अपना तो पैशन फॉलो कर ही रहे हैं, प्लस बताता हूँ पहले टाइम कैसे चेंज हुआ. पहले क्या होता था, इनिशियली अगर आप बहुत साल पहले देखोगे, मुझे कुछ नहीं पता अगर, तो मैं जाके अपने, या तो अपने टीचर से पूछूंगा या उस फील्ड में जो भी एक्सपर्टाइज है उनसे पूछूंगा, या अपने पेरेंट्स से पूछते थे लोग, कोई भी डाउट होता था. फिर क्या हुआ भाई, फिर उनको क्या हुआ, सेकेंडरी चीज़ क्या आई, लोग गूगल पर सर्च करना शुरू कर दिए, गूगल पर सर्च करते थे. अब क्या होता है, ओ भाई छोटा सा पिल्ला आया कूद के चला गया, कैमरे पे चल गया, कैमरे पे चढ़ गया होता. और अब क्या होने लगा है, अब आज के टाइम पे जो हो रहा है सिचुएशन, वो यूट्यूब, लोग यूट्यूब खोलते हैं वीडियोस, मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूट्यूब खोलते हैं, खाना बनाना है, कहीं जाना है, ये वो हर चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है. ऑब्वियसली गेहूं के साथ गुण भी होता है, मतलब 10% अच्छी चीज़ें हैं तो 10% बुरी भी हैं, हर तरह की चीज़ें. तो ये ऑब्वियसली यार आगे चल के यही फ्यूचर है, यही होने वाला है, आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन घर बैठे आपको मिल जाती है. अब हम कोशिश करते हैं आपको जर्मनी दिखाएं, यहाँ की चीज़ें. ऑब्वियसली कई ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे सब भी ये क्या है यार, इसमें क्या है, ये क्या क्या दिखा रहे हैं. लेकिन आप ये सोचो, कई ऐसे भी लोग हैं जिनको देखना होता है, जो देखना चाहते हैं एक्चुअली, इवन छोटी से छोटी चीज़ें देखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि वहाँ की सड़कें कैसी हैं, वहाँ पर
फूल पौधे कैसे होते हैं, लोग कैसे होते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रेस्टोरेंट होते हैं, ऐसे हैं। मैं जब छोटा था मैं देखना चाहता था क्या होता है फॉरेन में, किस तरह का एनवायरनमेंट, क्या चीज़ें हैं, कैसे लोग होते हैं, क्या हमारे जैसे ही लोग होते हैं। ऑब्वियसली एक जो लोग नहीं देख पाते उनके लिए है एक बहुत बड़ी चीज़, तो हम उनके लिए ये चीज़ दिखाना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है नया कैमरा आ गया तो मैं ज़्यादा ही जोश में आ गया हूँ, ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। चलो और भी चीज़ें देखते हैं। चश्मा लगा लूँ तो वो शूट करने के लिए पैसे दे तो दे, मुझे अपने देने पड़ेंगे। हाँ यार वही निकाल रहा हूँ। हम थोड़ी ना यहाँ के, हम तो हमारे यहाँ तो लड़की की बेइज्जती हो जाएगी अगर लड़की पैसे दे देगी तो। मैं कैसे दूँ खुद भी? 20 दे दो बस, इससे ज़्यादा। तो 20 तुम दोगी, 20 में दूँगा, वो बोलेगा यार इकट्ठे। अरे यार सिर्फ एक्टिंग के लिए। हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं गाइज़। देखो हम यहाँ पर बैठे हो, यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर ऐसा स्लिप दिया जा रहा है और लिखना है इसमें, वो इसलिए क्योंकि अगर ये अगर हो जाता है इन केस तो वो सबको क्वारंटाइन करने के लिए बोल देंगे। तो इस वजह से ये स्लिप जितने भी रेस्टोरेंट में आज हम लोग गए वो सब में ये स्लिप दी हुई है। आई थिंक दिस इज़ द वेरी गुड वे जिससे आप ट्रैक रख सकते हो कि कौन उस रेस्टोरेंट में आया कौन नहीं आया, है ना दीपक? हेलो गाइज, आई होप आप लोग ये सोच रहे होगे कि ये मतलब बिहाइंड द सीन वीडियो है, तो वीडियो कहाँ है? तो वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा और वो बहुत इंटरेस्टिंग वन है, आप लोगों को पक्का बहुत मज़ा आएगा। पर आप ये ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा। मैं आपको अपने बिहाइंड द सीन बताना चाहती थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, और प्लस हम लोग बहुत सारी बातें करना चाहते थे तो मैंने सोचा बताऊँ। आप कितने एक्साइटेड हो हमारी लाइफ यहाँ पर देखने के लिए वो ज़रूर कमेंट करना, और आगे क्या वीडियोस देखना चाहते हो। मैं आपको यूरोप की छोटी से छोटी जगह दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए प्लान कर रही हूँ। आप कितने एक्साइटेड हो वो ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड आई लव यू गाइज, आई लव यू सो मच। जस्ट सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। एंड जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये रेड बटन है ये क्लिक करनी है। इन केस आपने गूगल अकाउंट से लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लेना, वो आपसे आपका बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जिसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब ग्रे बटन दब गया। और हाँ, ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस कब आए ये पता ही नहीं चलेगा। तो जो बेल की घंटी है वो जरूर दबाना और लाइक करना मत भूलना गाइस।